हेलो दोस्तों, आप सभी का ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको इस स्वेटर का ये राउंड नेक बनाना बताया था। ये राउंड नेक, ये मैं फुल स्वेटर बना रही हूँ जेंट्स का। तो अब मैं आपको इसका आज स्लीव बताऊंगी कि जेंट्स स्वेटर में स्लीव कैसे बिनना जाता है, कैसे फंदे बढ़ाए जाते हैं और कितने फंदे डाले जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जेंट्स के फुल स्लीव के स्वेटर में मैंने बॉर्डर के लिए 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे डाल के मैंने ये फ्रंट और बैक में भी मैंने टोटल 27 रो का ये बॉर्डर बनाया है। 27 सिलाई का बॉर्डर बिनने के बाद उल्टी तरफ से 28वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। उसी तरह से ये देखिए, मैंने इसमें भी टोटल 27 सिलाई का बॉर्डर तैयार कर लिया है। 10 नंबर की सिलाई पे 50 फंदे डाल के 27 सिलाई का बॉर्डर तैयार कर लिया है। मैं जब ये डिजाइन डालना होता है, कोई भी डिजाइन जब मैं डालती हूँ, तो देखिए उल्टे तरफ से जब हम फंदे बढ़ा लेते हैं तो बिल्कुल बॉर्डर के स्टार्टिंग से ये हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं दिखती है। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आप चाहें तो आप सीधी सिलाई में फंदे बढ़ाइए, फिर उल्टा बिनने के बाद फिर नेक्स्ट सीधे से आप ये डिज़ाइन डालना शुरू करिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैं उल्टी सिलाई में फंदे बढ़ा लेती हूँ और फिर सीधी सिलाई से ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करती हूँ। तो इससे बॉर्डर और डिज़ाइन के बीच में देखिए बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं आती है, क्योंकि उल्टा एक सिलाई उल्टा उल्टा बिनता है, फिर नेक्स्ट सीधे से हम ये डिज़ाइन एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह से देखिए, अब हमारा ये जो बॉर्डर है वो मैंने 27 सिलाई बिन लिया है। सीधी सिलाई मेरी हो चुकी है, ये उल्टी सिलाई है। ये हमारा जो रहता है, जो राइट हैंड से फंदे डालते हैं, वो देखिए उनकी चोटी ये सीधी तरफ जो आती है, ये जो ऐठा ऐठा सा ये दिखता है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है। और उल्टे तरफ आप देखेंगे तो ये ऐसा गांठ जैसा दिखता है, तो ये हमारा उल्टा होता है। तो मैंने यहाँ से पूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 27 सिलाई का बॉर्डर बिन लिया है। अब मैं इसमें 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। तो अब इसमें मैं इस डिजाइन को पूरे आस्तीन में डालूंगी, जैसे मैंने ये पूरे पल्ले में डाला है। तो उस डिजाइन को सेट करने के लिए, अगर मैं कोई नॉर्मल छोटी मोटी डिजाइन डालती हूँ तो मैं इसमें सीधे बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ाती, लेकिन मुझे क्योंकि यही डिजाइन सेट करना है तो इसके हिसाब से मैं इसमें 9 फंदे बढ़ाऊंगी। तो फंदा मैं देखिए जो बढ़ाती हूँ, ये फंदा मैं जो बढ़ाती हूँ, ये देखिए ऐसे पहला फंदा उतार के पहले फंदे में मैं फंदा नहीं बढ़ाती, क्योंकि पहला फंदा जब हम उतार देते हैं तो देखिए ये बहुत अच्छी सी चोटी जैसी आ जाती है। इसी को पकड़ के आप सिलाई करेंगी। और अगर हम किनारे में फंदा बढ़ाते हैं स्लीव में, तो एक साइड का तो ठीक आता है, लेकिन दूसरा उल्टा, मतलब जो लास्ट वाला हमारा आता है, उधर का फंदा जो बढ़ाते हैं तो वो किनारों से बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाता है। तो इसलिए आपको पहले फंदे में फंदा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब ये देखिए, इधर से ये दूसरे वाले फंदे में इस तरीके से एक बार मैं ऐसे उल्टा बिन लेती हूँ, फिर इस फंदे को उतार के फिर ये वाला फंदा इधर करके फिर इसमें ऐसे फंदा बढ़ा लेती हूँ। एक हो गया। अब हम एक बार 6 फंदे के बाद, एक बार 7 फंदे के बाद, मतलब 5 फंदे के बाद 6ठे फंदे में ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 फंदा मैंने उल्टा बिन लिया, एक के बाद दूसरे में बढ़ाया, 5 फंदा उल्टा बिन लिया। अब फिर मैं इसको बढ़ाऊंगी ऐसे, ये मेरे 2 फंदे बढ़ गए। अब मैं 6 फंदा बिनूंगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब मैं इस वाले में बढ़ाऊंगी फंदा, 3 हो गए, फिर 6 फंदे में। आप अपना फंदा देख लीजिए कि आपके फंदे में कितना फंदा बढ़ाना है और उसको कैसे एडजस्ट करना है। जितने भी फंदे हैं किनारे किनारे के, 2-2 फंदे हटा के फिर आप अपना डिवाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आप फंदे एडजस्ट कर सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अब मैं 6ठे में बढ़ाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब मैं 7वें में बढ़ाऊंगी। ये देखिए, पहले एक बार मैंने उल्टा बिन लिया, अब ये फंदा गिरा के आप इधर से इसको उठा लीजिए ऐसे, फिर इसी फंदे में आप इस तरीके से बढ़ा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 अब यहाँ पे
एक दो तीन चार पाँच छः, फिर यहाँ पे टोटल मुझे 9 फंदे बढ़ाने हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, ये 7 फंदा, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः 7 8, और अब मैं यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लूँगी। एक यहाँ मैंने बढ़ाया, अब ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये 7, अब यहाँ पे लास्ट फंदा मैं बढ़ा लूँगी। तो ये टोटल 9 फंदे मैंने बढ़ा लिए इस तरीके से। आप चाहें तो डिवीजन इस तरह से भी कर सकती हैं कि 2-3 फंदे यहाँ पे बढ़ाइए, 2-2 फंदे के बाद बीच में बढ़ाइए, फिर किनारे बढ़ाइए, या आप 4-4, 5-5 फंदे के बाद अंदाजे से ये फंदा बढ़ा लीजिए। अब हम इसकी डिजाइन सेट करेंगे। अब देखिए ये जो डिजाइन मैंने बनाया इसमें वही सेम चीज़ डिजाइन मैं इसमें भी बनाऊंगी। यहाँ पे ये जो मेरा बॉर्डर यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, जब अगली सिलाई में मैं आऊँगी तो यहाँ पिन लगा लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे पिन लगाने में थोड़ा सा बिनने में दिक्कत आएगा। तो अब ये देखिए पहला फंदा उतार के ऊन आगे, अभी मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं, तो अब मैं यहाँ से पहली सिलाई गिनूँगी। अब जो मैं सीधा बिन रही हूँ तो ये 6 सिलाई बिनने के बाद फिर मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो अभी ये डिजाइन के संग हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे ये चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो ये 3 फंदा मैंने बिन लिया, ये जो हमारी डिजाइन है, अब इस डिजाइन को हम डालेंगे। ये डिजाइन मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सिंगल कलर डिजाइन नंबर 8। और इस तरह से ये हम पूरा बिन लेंगे, बहुत इजी डिजाइन है, बहुत अच्छी लगेगी, लाइट कलर में और भी अच्छी लगेगी। कोशिश करिएगा कि इस डिजाइन को फ़र वाले ऊन में ना बनाइए, क्योंकि मैंने ये इसको फ़र वाले ऊन में बनाया है, ये मेरा फ़र वाला ऊन है, तो इसमें कहीं कहीं फ़र की वजह से डिजाइन थोड़ा थोड़ा सा दब जा रहा है। तो जो बर्धमान का सिंपल ऊन आता है उससे आप बनाएंगी तो आपकी ये डिजाइन प्रॉपर आएगी। तो ये देखिए ये डिजाइन मैंने आपको बताया है, इसमें लास्ट में हमारा 3 आएगा। उल्टी सिलाई हर बार उल्टी बनानी है, और इसी डिजाइन के ऊपर हमको ये डिजाइन सेट करते जाना है। तो इसमें ये जो मैं फंदे बढ़ाऊंगी, सॉरी मैंने 6 बताया, मैं 8-8 सिलाई पे फंदे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जब हम उल्टी उल्टी बिनाई करते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं, और जेंट स्वेटर में ऊपर इस पल्ले में मेरे 108 फंदे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ऊपर जितनी मुझे लेंथ चाहिए, क्योंकि मैं जब लेंथ स्लीव की बनाऊंगी तो ये इतना ज़्यादा बनाऊंगी। तो उसके लिए अगर मैं 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाती जाऊंगी तो फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा फंदे रखूँगी तो 92, 95, 96 फंदे, क्योंकि इसमें ऑड नंबर के फंदे हैं, मेरे इस समय 59 फंदे हैं पल्ले पे, अरे सॉरी स्लीव के स्टार्टिंग में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 95 से ऊपर मेरे फंदे स्लीव के लिए न जाए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे सिलेंगे तो बहुत ज़्यादा फंदा भी एडजस्ट नहीं होगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज जब हो जाएगा स्लीव आके तो भी नहीं अच्छा लगेगा। आप अगर रेडीमेड स्वेटर के स्लीव देखिए तो वो बहुत थोड़े से फिटेड टाइप के होते हैं, बहुत लूज नहीं होते हैं, तो बहुत लूज मैं स्लीव नहीं बनाऊंगी। और इसलिए मैं इसको, ये मैं यहाँ से पहली सिलाई काउंट करूंगी, और ये डिजाइन मैंने आपको बताया हुआ है मेरे चैनल पे, जब मेरी 8 सिलाई हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम फंदे कैसे बढ़ाएं ताकि हमारे डिजाइन भी साथ के साथ सेट होते जाएं। तो पहले मैं 8 सिलाई बिन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए जैसे कि मैंने कहा, जो मैंने फंदे इसमें रखे हैं 59, वो टोटल मेरे स्टार्टिंग में देखिए 3 थे, और यहाँ लास्ट में भी मेरे 3 उल्टे फंदे आए हैं। ये तो लास्ट वाला उल्टा ना बिन के हम इसको ऐसे सीधा बिनते हैं, ताकि यहाँ पे हमारी बिनाई जो है वो अच्छे से आए, क्योंकि उल्टे फंदे को फिर हमको घुमाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा इसको आप लास्ट फंदा सीधा बिनिए, ताकि इधर से आप टोटल इस तरीके से पूरा उल्टा उल्टा बिन लीजिए। इस डिजाइन में यही है कि आप सीधी तरफ से डिजाइन सेट करिए और उल्टे तरफ से इसको पूरा बिन लीजिए। तो ये टोटल जब यहाँ पे मेरा बन जाएगा तो ये मेरी 2 सिलाई पूरी हो जाएगी।
लास्ट वाला फंदा उतारने से ये फंदा थोड़ा सा, जो सेकंड वाला फंदा डिजाइन का होता है वो थोड़ा सा ऐठा होता है, तो उसको बहुत आराम से बिनिएगा तो डिजाइन अच्छे से आती है। ये देखिए, जब मेरा ये उल्टा सिलाई पूरा हो जाएगा तो मैं पिन लगाऊंगी। मैंने जैसा कि आपको बताया ही अपने चैनल पे कि मैं हमेशा से पिन लगाती हूँ, मैं बहुत इंची टेप से नहीं नापती हूँ, मेरा मेज़रमेंट इंची टेप से नापते हुए बिनने का नहीं रहता है। मैं एक ये जो मेज़रमेंट है, फंदे कितने होने चाहिए, ऊन कैसा है पहले तो, फिर इसके फंदे क्या होने चाहिए, लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से फ्रंट और बैक तो इजी होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं, एक बार आप नीचे बढ़ा लीजिए तो वो हो जाते हैं। लेकिन जो स्लीव है उसको हम नीचे पतला रखते हैं और ऊपर तक हम फंदे बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी डिजाइन कोई ऐसी फंसने वाली है जिसमें कि चौड़ाई में फंदे नहीं बढ़ते हैं तो आप उसमें छः छः सिलाई पे फंदे बढ़ा सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप नौवीं सिलाई में फंदे बढ़ाइए, आठ आठ सिलाई के बाद। बहुत ज़्यादा ढीला आस्तीन नहीं अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा फंदे हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि छोटे बच्चों के भी स्वेटर में आप यही करिए कि जब भी आप स्वेटर बना रही हैं तो अगर आपके बच्चे के स्वेटर में 80 फंदा है तो अगर बहुत ढीला भी हो रहा है तो 80 फंदा आए, और नहीं तो कम से कम आपके 85, 86, 84 ऐसे फंदे रहें। तो अब मैं इस पर आपको, ये देखिए यहाँ मेरा, देखिए दो सिलाई पूरा हो गया तो ये एक केबल आ गया, तो अब इसके नीचे वाले केबल पे मैं ये इस तरीके से पिन लगा लूँगी। अब यहाँ से जब ये चार केबल हो जाता है, या आप चोटी कहिए, जब हो जाएगा, ये देखिए यहाँ मैंने पिन लगा लिया, इसके ऊपर ये एक आ रहा है, तो अब यहाँ से जब ये एक हो गया, तीन और हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि फंदे कैसे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये मैंने आठ सिलाई बना लिया। इसको अब मैं, ये जो मेरी डिजाइन जा रही है चार फंदों की और तीन फंदा उल्टा, तो इस तीन फंदों में मैं पहले फंदे को काउंट नहीं करती डिजाइन में। तो अभी मुझे यहाँ पे एक उल्टा और चाहिए, तो इसके लिए अब देखिए पहला फंदा उतार के यहाँ पे हम जो फंदा बढ़ाएंगे, इस उल्टे वाले फंदे को एक बार ऐसे, फिर ऐसे, जैसा कि मैंने पीछे से फंदा बढ़ाते हुए बताया, इस तरीके से मैं बढ़ा लूँगी, और लास्ट के दूसरे वाले फंदे में भी मैं ऐसा ही करूँगी। इसको पूरा बिनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट वाला फंदा। अब देखिए ये डिजाइन के बीच बीच में मेरे तीन तीन उल्टे हैं, तो ये बढ़ जाने के बाद अब मेरा यहाँ पे तीन उल्टा हो जाएगा। अब इसके आठ सिलाई के बाद फिर मैं कैसे फंदा बढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर मैं ये डिजाइन स्टार्ट करूँगी, तो इस डिजाइन के लिए दो फंदे चाहिए, तो ये मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ। अब ये लास्ट वाला भी इतना बिनने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने लास्ट में कैसे फंदा बढ़ाया है। ये देखिए, अब मैं लास्ट वाला ये बना रही हूँ, तो अब तीन फंदों में से ये पहला फंदा मैंने बीन लिया, ये जो बीच वाला फंदा है इसको भी इसी तरीके से, ये पहले एक बार, फिर इसी को मैं इस तरीके से करके इसको ऐसे कर लेती हूँ, और फिर इसको इस तरफ से एक बार, ये मेरा बढ़ गया दोनों तरफ से एक एक फंदा, और लास्ट वाला फंदा सीधा, ये देखिए इस तरीके से। अब फिर एक सिलाई ये मेरा हो गया, अब सात सिलाई और बिनने के बाद फिर नेक्स्ट बताऊंगी कि कैसे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो मैंने पिन लगाया था, एक दो तीन चार के बाद मैंने फंदे बढ़ाए हैं। अगर आपको काउंटिंग में दिक्कत आती तो आप ऐसे ही पिन लगाती जाइए, तो आपको ये गिनने में आसानी होगी। ये चार पे हो गया, अब आठ पे मैं बढ़ाऊँगी, तो ये उल्टी सिलाई अब मैं बिन लेती हूँ। फिर आपको आठ सिलाई जब मेरे टोटल फिर हो जाएंगे इसके बाद से, तो फिर मैं बताऊँगी कि कैसे हम फंदे बढ़ाएँगे। पहले आठ सिलाई पूरा हो जाए, ये देखिए फिर मेरी नेक्स्ट चार सिलाई, सॉरी आठ सिलाई हो चुकी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये क्योंकि ये जहाँ से उतर रहा है वहीं से ये ऐसे केबल जैसा बन रहा है। तो अब देखिए ये जो डिजाइन की शुरुआत होगी, तो इसके लिए दो सीधे फंदे चाहिए। तो अब जो हम फंदे बढ़ाएंगे, पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बिनेंगे और अगला फंदा हम उल्टा बिन देंगे ऐसे, फिर बाकी पूरी सिलाई सेम, और लास्ट में फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है पूरा बिनने के बाद, फिर लास्ट में कैसे फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए मेरा लास्ट फंदा ये आ गया है, लास्ट दो फंदे रहते ही हमें फंदा बढ़ाना है। तो अब यहाँ देखिए ये मेरा दो उल्टा हमने बिन लिया, अब ये ऐसे तीसरा उल्टा, इसी में ऊन पीछे करके यहाँ से अब हम इसको
पीछे की तरफ से ये सीधा बिन देंगे। तो ये हमारा फंदा भी बढ़ गया और अब यहाँ से ये हमारे लास्ट के दो फंदे इधर सीधे और स्टार्टिंग के दो फंदे इधर सीधे हो गए। अब फिर आठवीं सिलाई में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अगला फंदा बढ़ाएंगे और इसके बाद जब दो फंदा सीधा हो जाएगा तो कैसे डिजाइन सेट करना है। और जब डिजाइन पड़ने लगती है, जब ये दो फंदे का डिजाइन पड़ता है, तो इस डिजाइन में हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसी आठ आठ सिलाई जब मेरी होती जाएगी थोड़ी सी, बस मैं स्टार्टिंग आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे जो सीधा है इसमें एक बार आगे से और फिर एक बार ये पीछे से ऐसे बिन देंगे, फिर बाकी तीन फंदे सेम। और यहाँ पे उसी तरह से जैसे यहाँ बनाया है, जैसे यहाँ पे किया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट सीधे में ये हमारा डिजाइन जो पड़ रहा है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको डिजाइन बना के दिखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पहले फंदे के बाद अब दो फंदे मेरे हो गए हैं ये पहली डिजाइन के लिए। ये चार चार फंदे की डिजाइन है, तो ये दो फंदे मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब यहाँ से मैं ये डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि किनारे से ही मेरी डिजाइन बनती चली जाए, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से ये देखिए एक एक फंदा सीधा जा रहा था, अब ये दो फंदे सीधे हो गए तो अब ये डिजाइन पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरी 10 चोटियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पिन लगा लिया है। अब ये दो के बाद अब मैंने ये आपको डिजाइन बताया है। फिर नेक्स्ट सीधे में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फिर हम डिजाइन बनाएंगे और उसके आठ सिलाई के बाद फिर इस डिजाइन के संग हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताऊंगी। तो लास्ट वाला फंदा भी इसी तरह से बढ़ेगा, उसको भी हम बढ़ा के उल्टा बिनने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे पड़ेगी। ये देखिए जैसा कि लास्ट में भी मैंने कहा था, ऐसे सीधा फिर एक बार उल्टा। इसी तरीके से नॉर्मल फंदे हम इसी तरीके से बढ़ाते हैं जब डिजाइन हमको नहीं डालनी होती है। जब हम डिजाइन डालते हैं तो डिजाइन के हिसाब से हम फंदे बढ़ाते हैं, कहीं पे दोनों उल्टा, कहीं पे एक सीधा एक उल्टा, कहीं पे दोनों ही सीधा। तो इस तरह से हम फिर इसको बिन लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा सीधा आ गया, अब इसमें हमारी डिजाइन पड़ेगी। तो ये पहला फंदा भी हम उतार लेंगे, दूसरा उतारेंगे, जो हम ये डिजाइन बीन रहे हैं इस तरीके से। ये डिजाइन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ से ये बन गया। अब ये हर सीधे में ये डिजाइन बनेगा, बाकी लास्ट में भी इसी तरीके से। अब जब ये आठ सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस डिजाइन को बनाते हुए हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से ये हमारा बनेगा। देखिए अब ये हम पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे को उतारना है हमको, लेकिन यहाँ हमें फंदा भी बढ़ाना है। तो ये पहले हम ये फंदा बढ़ा लेंगे, अब हम इसको इस तरीके से उतारेंगे ऐसे, ये देखिए। और अब लास्ट वाला फंदा बीन के ये जो हम डिजाइन डाल रहे हैं इसके ऊपर से, ये बाद वाला जो फंदा है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए अब हमारा यहाँ एक फंदा भी बढ़ गया, ये दो फंदे की डिजाइन भी पड़ गई और आगे भी इसी तरीके से बाकी का जो हमको बिनना है डिजाइन वो बिनने के बाद फिर मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में इस डिजाइन के संग हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे। अब आठ सिलाई के बाद देखिए इस एक फंदे में अभी जो पिछली बार मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाना बताया था, क्योंकि यहाँ ये सीधा फंदा है तो इसी तरह बस सीधा फंदा बढ़ा लीजिएगा, फिर उसके बाद ये उल्टा, तो इसी तरीके से ये हमारा डिजाइन ऐसे बनता जाएगा। अब देखिए ये पूरा स्लीव बनाने के बाद ये लास्ट वाला डिजाइन कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये लास्ट वाला है, तो लास्ट में हम ये ऐसे करेंगे, ये बिन के ये वाला फंदा हम नहीं उतारेंगे। अब इसके ऊपर ये करके ये डिजाइन हमारी जो बन रही है वैसे इसको ये हम बना देंगे बीच से। अब यहाँ पे जाली ना आए इसके लिए हम इसको ऐसे पीछे की तरफ से सीधा बीनेंगे। यहाँ पे फिर हमारे ये दो फंदे हो गए, जब हमारे ऐसे दो दो फंदे होते रहेंगे फिर हम इसको बढ़ा लेंगे। अब उल्टी सिलाई बिन लेते हैं, बिनने के बाद इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए हम जो इसकी लंबाई है इस पल्ले से बड़ा रखेंगे,
जितना हमारा ये बॉर्डर है। तो ये बिन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना बड़ा किया है। पहले उल्टी सिलाई बिन लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको इतना बना लिया है। अब जो इसकी लंबाई है वो देखिए, टोटल लंबाई देखिए ये 20 इंच है। अब मैं इसका आस्तीन घटाऊंगी, ये जो इसकी लंबाई है टोटल ये ऐसे 20 इंच है। तो अब और अगर मैं पल्ले से आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये अगर आप पल्ले को ऐसे सीधा रखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर जब हम यहाँ पे आस्तीन ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा बॉर्डर जितना है इतना मैं ज़्यादा रखूँगी, तो ये देखिए इतना मैंने ये ज़्यादा रखा हुआ है स्लीव की लंबाई। और इस समय मेरे इस स्लीव पे टोटल 93 फंदे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसमें बहुत चौड़ा फंदा, ज़्यादा चौड़ी आस्तीन नहीं रखूँगी, ज़्यादा फंदा नहीं रखूँगी, तो मेरे जो पल्ले में वो 108 फंदे हैं और स्लीव में इस समय 93 फंदे हैं। आप एक दो फंदे कम ज़्यादा कर सकती हैं, आपको अगर स्लीव और लंबा बनाना हो तो आप और लंबा बना सकती हैं। अब ये देखिए, मैंने इस पल्ले में टोटल सिलाई जो बीनी है वो बॉर्डर के बाद 120 सिलाई बीनी है, और इस स्वेटर में 140, ये टोटल ये जो है मेरे ये 70 केबल हैं, इसमें मेरे ये 60 केबल हैं, इसमें 70 केबल हैं, तो ये टोटल मैंने 140 सिलाई की पूरी ये आस्तीन की लंबाई की है। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते, ये देखिए यहाँ पे दूसरी डिजाइन शुरू हो गई। दूसरी डिजाइन में इसी तरह यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाया, अब ये उल्टा करते हुए ये देखिए फिर ये सीधा शुरू हुआ, आते आते ये देखिए मेरे यहाँ पे अब दूसरी डिजाइन स्टार्ट होती, लेकिन यहाँ पे मैंने डिजाइन नहीं डाला है क्योंकि अब मुझे ये स्लीव घटाना है। तो स्लीव मैं घटाऊंगी जैसा हमने इस पल्ले में घटाया हुआ है। पल्ले में मैंने 4, 3, 2, 1 करके घटाया है, वही चीज़ मैं इसमें भी घटाऊंगी दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से, ये 1, 2, 3 और 4 इस तरह से ये घट गया। इसी तरीके से उल्टे तरफ से जैसा मैंने इसको घटाया था, सीधे तरफ से इस तरह से एक एक फंदा उतार के और उल्टे तरफ से दो दो फंदा एक संग लेके, तो ये 4, 3, 2, 1 घटा के फिर मैं पूरे फंदे बंद कर दूंगी। तो पहले मैं ये घटा के फिर आपको दिखाती हूँ कि स्लीव हमने कैसे पूरा करना है। ये देखिए, ये हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे अब हम इसको सीधा सीधा बिन देंगे क्योंकि उधर से हमको इसको घटाना है। इस तरीके से ये करने के बाद अब इस तरफ से भी हम 4 फंदे घटा लेंगे। इधर से मैं ये 2 फंदे एक संग लेके घटाती हूँ, तो ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 इसी तरीके से ये हम पूरा बिन लेंगे और फिर 3, 2, 1 करके सारे फंदे दोनों तरफ से घटा लेंगे, 10-10 फंदे, और फिर बाकी जो फंदे बचेंगे सिलाई पे उसको हम बंद कर देंगे। तो इतना बिनने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे बंद किया जाता है। ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ से घटा लिया, 4, 3, 2, 1 सीधी तरफ से, 4, 3, 2, 1 उल्टी तरफ से, ये घटा के उल्टी सिलाई ये मैंने पूरी बिन ली है। अब सीधे तरफ से हम इसको पूरा बंद कर देंगे, एक एक फंदा ऐसे आप बिनती जाइए और हल्का सा ढीला ढीला इसको इस तरीके से उतारती जाइए। बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत लूज नहीं करना है, लेकिन हल्का सा लूज ये रहेगा क्योंकि अगर हम बहुत टाइट कर देंगे तो आस्तीन जो हम लोगों ने बनाया है उसकी गोलाई में फिर ये फिट नहीं आएगा। तो ये देखिए हल्का सा इस तरीके से इसको उतारते हुए हम सारे फंदे उतार लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए हल्का सा ये लूज है इस तरीके से। अब हम सारे फंदे, अगला फंदा बीनिए और पीछे वाले फंदे को इस तरह से उतार दीजिए, तो ये देखिए हल्का सा लूज है, तो इसको टाइट मत करिए, ऐसे ये सारे फंदे हम उतार लेंगे। मैं आस्तीन इसी तरीके से घटाती हूँ। बहुत लोग इतना घटाने के बाद एक एक फंदे थोड़ी दूर तक घटाती हैं, मैं वो नहीं करती, मैं बस इतना सा हल्का सा ये गोलाई आ गया इतना काफ़ी है। तो ये देखिए इस तरीके से, अब पहले मैं पूरा ये घटा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लास्ट फंदा इस तरीके से करके अब इसको हम
बंद कर देंगे और इसके बीच में से हम ऊन निकाल के कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊन निकाल के अब हम इसको कट कर देंगे थोड़ी दूरी से इस तरह से। अब ये जो हमारा ये देखिए जो स्लीव है इसको अब आप देख लीजिए, इसमें डिजाइन पड़ा है इसलिए आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इधर से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पड़ा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद और ये 6, 12 डिजाइन जो है इसका ये सेंटर वाला जो एक फंदा है यहाँ पे हम ये जो है यहाँ पे हम इस तरीके से पिन लगा लेंगे। और ये जो हमारा ये फ्रंट और बैक का पार्ट है जब हम इसको सिलेंगे तो ये देखिए ये सीधा पोर्शन और ये सीधा पोर्शन यहाँ पे बिल्कुल ये जो हम लोगों ने शोल्डर जोड़ा है ऐसे पिन लगा दीजिए इस तरीके से। और अब देखिए इसको हम इस तरह से करके ऐसे और ये देखिए ऐसे इसको सिल देंगे पीछे की साइड से। और इधर का इस तरीके से ये इस तरफ का हाफ ये ऐसे इधर ये हम ऐसे सिल के फिर आप और अगर जिसमें डिजाइन नहीं है उसको आप सीधे ऐसे हाफ करिए दोनों जो हम लोगों ने ये घटाया है इसको इस तरीके से पकड़ के हाफ हाफ करके ऐसे सेंटर निकाल के फिर आप ये पिन लगा लीजिए और इस तरह से शोल्डर से जोड़ के इसको इस तरह से पीछे कर लेंगे हम और इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल देंगे। तो इस तरीके से आपका ये स्लीव बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको आता होगा लेकिन मैंने अपने तरीके से इसको बताने की कोशिश की है कि ये स्लीव हम जेंट्स का कैसे बनाएंगे। और प्लस मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम ये स्लीव बनाते हैं तो इसमें हम फंदे कैसे बढ़ाएंगे ताकि ये देखिए किनारे के फंदे में जब हम फंदा नहीं बढ़ाते तो ये देखिए ये बिल्कुल किनारा जो है बहुत ही फाइन आता है लेकिन अगर आप लास्ट फंदे में फंदा बढ़ाएंगी तो ये किनारा अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये स्लीव आप बनाइए या बच्चों का बनाइए चाहे बड़ों का तो आपका इस तरीके से ये स्लीव तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आपको ऐसे ही कुछ अलग अलग जानकारियाँ देती रहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।